डियर फ्रेंड्स, दिस इज निशांत रस्तोगी एंड यू आर वॉचिंग CNRI। तो देखें, कह रहा था मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। अब इस रिएक्शन में अगर आप देख रहे हो तो आपको क्या किया गया, दो पेंटागोनल रिंग दी गई हैं जिसमें एक रिंग पे एस्टर ग्रुप लगा हुआ है। इस रिंग पे क्या लगा हुआ है, एस्टर ग्रुप लगा हुआ है, यह एस्टर ग्रुप लगा है। और दूसरी रिंग पे आप देखें तो डबल बॉन्ड के साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा हुआ है। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा है और रिएक्शन आपकी डाइबल एच के साथ में कराई जा रही है और आपको प्रोडक्ट बताना है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। प्रोडक्ट में अगर आप देखो तो सब में रिंग को ओपन करा दिया गया है, तो इसका मतलब है रिंग ये ओपन होगी, यानी कि ये रिंग जो होगी वो हेटरो बॉन्ड से ब्रेक होगी, यहाँ से ब्रेक हो जाएगी। अब जरा देखो कि इधर CHO बना दिया, इधर OH बना दिया, ये CHO कर दिया, ये OH कर दिया और साथ में COOH है। अगले वाले में देखो तो यहाँ पर CHO है, ये OH है, ये CHO, ये OH है और साथ में COOH को भी CHO में बदल दिया। अगले वाले में अगर हम देखें तो इस वाले में क्या किया, इस OH को गायब कर दिया है और ये CHO और ये COOH बना दिया। और अगले वाले में देखें तो फिर इसमें भी OH को गायब किया और ये CHO और ये CHO बना दिया। एक्चुअल में अगर हम डाइबल एच की बात करते हैं, तो डाइबल एच जो होता है ये एक्चुअल में डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है। अब इसका काम क्या है, ये एक्चुअल में जो होता है हाइड्राइड होता है और इसका काम जो होता है ये एक्चुअल में इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट होने के कारण ये क्या काम करता है कि जो COOH ग्रुप होता है और जो आपका एस्टर ग्रुप होता है, ठीक है ना, तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है और जो एस्टर ग्रुप होता है, इन दोनों को ही ये चेंज कर देता है किसमें, CHO ग्रुप में, यानी कि एल्डिहाइड में, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर आपको एस्टर ग्रुप दिया है और आपको कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप दिया है और उसको अगर आपको एल्डिहाइड में बदलना है तो आप क्या करोगे, डाइबल एच का यूज़ करोगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है और रिएक्शन में रिड्यूस करके COOH और एस्टर को चेंज करता है CHO में। तो अब आपके पास समझ में आए कि भाई ये वाला भी CHO में बदल जाएगा और ये वाला भी CHO में बदल जाएगा। तो अब सोचो जरा, यहाँ पर CHO है बट यहाँ नहीं है, यहाँ पर CHO है यहाँ पे है, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पर भी देखो तो CHO है बट यहाँ पर क्या होगा, ब्रेकिंग करने पर ये OH में बदल जाएगा। भाई रिडक्शन आप कर रहे हो तो हाइड्रोजन यहाँ लगेगा, हाइड्रोजन यहाँ पर लगेगा, ये CHO में बदल जाएगा, ये OH में बदल जाएगा। तो इसलिए आंसर सेकेंड जो होगा वो कैसा होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा।